प्यार से शॉल लेके आया। क्यों? मुझे देने के लिए ये चीज़ है? हाँ ठीक है। सो हेलो गाइस, आपकी प्यारी खुशी पांडे फिर से हाजिर है। क्या करे, रिस्क उठाती रहती है, कभी ये कभी वो। तो आपको याद होगा कि एक पुलिस वाले थे, उनके ऊपर मैंने प्रैंक किया था पब्लिक प्लेस में, जो कि काफ़ी मैं डर गई थी। उन्होंने लेडीज़ पुलिस भाई, मैं तो डर गई थी। उसके बाद से जो बात स्टार्ट हुई, जितने वो दिखने में स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा होते नहीं है, डरावने टाइप के, मतलब डर जाए उस तरह, लेकिन उस तरह नहीं है। बात करने में पता चला कि हाँ, बहुत नॉर्मल इंसान है। तो मैंने उनसे उनको मैंने मिलने बुलाया है, तो मैंने लोकेशन सेंड कर दी है, वो आते ही होंगे। जब तक मैं वो आएंगे, भाई कैमरा बंद कर दो, अभी भी डर ही लग रहा है कि आज फिर मैं कुछ खुराफाती करूँगी। भाई मिलने बुलाया, ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जाने दे सकती हूँ। तो भाई वीडियो में बने रहो, देखना क्या होता है रिएक्शन, मुझे भी नहीं पता क्या है ये। ठीक है, अभी कैमरा बंद। अभी मैंने कॉल किया था, आ रहे हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। अरे तुम जमा के आए हैं आज? इधर ऐसे ही रहते हैं हम। अच्छा, ऐसे ही रहते हैं जी है? तब तो चोर चोरी करके चला ही जाएगा। बैठिए। ऐसा नहीं हो सकता ना, हमसे कोई बच नहीं सकता। अच्छा, और बताइए। नहीं, अच्छे लगे हैं। हाँ, सब यही बोलते हैं। अच्छा, यही तो बोलते हैं जी। हाँ बिल्कुल। और बताइए, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? मुझे कैसी तकलीफ हो सकती है? अच्छा, वैसे बात करके अच्छा लगा था। उस समय मुझे लगा कि आपको प्रपोज मैंने किया, डर गई थी जब आपने बोला लेडीज़ पुलिस बुलाने की बात कर दिया था आपने, मैं डर गई थी। सही बुला देते आप 100%, क्योंकि पता नहीं था ना कि प्रैंक कर रही हो, और ऐसा सीन होता नहीं है कभी हमारे साथ। अच्छा, मतलब मैं नहीं पता कोई लड़की पागल हो गई है कि क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता ना। अच्छा, इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ नहीं हुआ? अरे इतने अच्छे दिखने में कोई लड़की नहीं है क्या पीछा, मतलब इतने अच्छे कभी प्रपोज नहीं किया? जरूरी तो नहीं है कि जो अच्छा हो तो उसके पास लड़की हो। अच्छा, ये भी बात सही है। मतलब आप काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसका मतलब काम पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ड्यूटी हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य है, पालन करते हैं। सही है, होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ओके, इसीलिए ध्यान देना पड़ता है। बस मुझे एक कंप्लेन करवानी थी, मुझे लगा कि आपको बोल दूं। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। मतलब अरे पुलिस वालों का काम ही यही होता है ना, अगल बगल देखना क्या है क्या नहीं। जरूरी है, सही बात है। सतर्क रहें, सावधान रहें। नहीं, हमें सतर्क रहने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को। और वैसे भी आजकल क्राइम बहुत ज्यादा ही बढ़ा है, तुम्हें पता ही है। हाँ, वो तो है। तो देखना ये जरूरी है कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। नहीं, हमारी नजर चारों तरफ घूमती रहती है। नहीं नहीं, सही है, तब ऐसे पुलिस वाले होने भी चाहिए। हाँ, मुझे ज़रूरत भी है ऐसे पुलिस वाले की, मतलब होना चाहिए, मतलब मेरे एरिया में बता रही हूँ, मेरे एरिया में ऐसे पुलिस वाले है नहीं ना। नहीं, वैसे मेरा मतलब एक चूड़ी थी सोने की, वो चोरी हो गया था, तो भाई वहाँ पर गई थाने पे, तो कुछ वही नहीं, आप बताइए क्या करूँ, उसका क्या प्रॉब्लम चोरी होने पर? आपके एरिया के बताया था आपने? हाँ, आपके एरिया में जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कीजिए, बताइए। बताइए, कुछ नहीं करते वो, कुछ भी नहीं करते हैं। सस्ता के नहीं करते, हमारे पास कोई केस आता है तो हम ऐसे तो नहीं छोड़ते किसी केस। अच्छा, चोरी हुआ चीज मिल जाता है कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल मिल जाता है, आप भरोसा रखिए। अच्छा, फिर मिल जाएगा। गवर्नमेंट पुलिस ऐसे नहीं होती, इंसान को बस भरोसा होना चाहिए उस चीज़। कुछ खाए वाएंगे? नहीं नहीं, आप क्या खाएंगे बताइए। नहीं हम तो नहीं, हमने आपको बुलाया अपने काम के लिए, तो भाई फर्ज तो मेरा बनता है ना। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी क्या खाएंगे बताइए। नहीं कुछ नहीं, बस आगे आपसे मिलने के लिए, एक्चुअली यहाँ पे काम था थोड़ा हमें, तो जा रहे थे, हमने सोचा चलिए आपसे मिलते जाएंगे। ओके, तो वैसे फिलहाल मैं आपके लिए ये लेके आई थी, पता नहीं आपसे बात करते करते ये फ्लावर है आपके लिए लेके आई थी। मेरे लिए? हाँ मेरे लिए। अरे तो प्यार से लेके आओ, ले लो आप। प्यार से शॉल लेके आना। हाँ
क्यों गुस्सा नहीं, किसके लिए लिखे? मतलब इतना सुंदर सा फ्लावर है, तो सुंदर सा फ्लावर किसको दिया जाता है? सुंदर लोगों को। आप सुंदर लोगों से मतलब नहीं है ना, आपको पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, पता है भी ना। फ्लावर देने में क्या जा रहा है? फ्लावर किसको दिया जाता है? ये फंस गया सी है। अच्छे लोगों को। अच्छे लोगों को क्यों दिया जाता है? हाँ सर, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा नहीं हो रहा हूँ मैं, क्यों दिया जाता है अच्छे लोगों को? क्योंकि लोग ऐसे किसी को कैसे फ्लावर दे सकते हैं? सर आप तो नॉर्मल दे रहे हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नॉर्मली ये चीज तो नहीं होती। अच्छा आप लेते क्यों? एक पुलिस वाले को बुला के यहाँ पे ऐसा करोगी? सॉरी सर, अच्छा मैं रख दे रही हूँ। तुम यहाँ पे लेके क्यों है इसको? आपको देने के लिए है। मुझे देने के लिए ये चीज़ है? हाँ हाँ हाँ। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आपको इससे ये लाल फूल से गुस्सा आता है। ये लाल फूल से गुस्सा नहीं है। हाँ ये जो हरकत आपने की है बहुत गलत हरकत की है आपने। अच्छा, प्यार से आपसे बात कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ ओपनली हो गया। एक अच्छे दोस्त की तरह मैं यहाँ पे आया हूँ और दोस्त समझ के आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फूल देने लगेंगे हमें। समझ क्या रखी है आपने? ठीक है, अब नहीं करो। नहीं, आपने समझा क्या हुआ है? अरे फूल तो सब देते, बर्थडे वगैरह भी जाते हैं, शादी भी जाते तो देते, तो क्या ऐसे किसको देते हैं? ऐसे किसी भी चलते को दे देते हैं। तो आप चलते कहाँ? हमारी तो बात हो रही थी ना, बात हो रही थी एक फ्रेंडली। तो फ्रेंड के नाते। हाँ तो फ्रेंड के नाते। अच्छा और कुछ तो नहीं हुआ था ना? पिंक देना था आपको। अच्छा रेड नहीं देना था, पिंक देना था। नहीं ज्यादा आप मजाक नहीं कीजिए, ठीक है? नहीं मुझे लगा आप रेड कलर। पिछली बार लेडीज पुलिस नहीं आई थी ना, इस बार मैं लेके चलूंगा। तो गुस्सा बहुत ज्यादा, अभी तो फोन पे नॉर्मल थे, कैसे गुस्सा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो पुलिस स्टेशन। सर क्यों? ये जो हरकत तुमने की है ना, तो इसके लिए कौन पुलिस स्टेशन लेके जाता है? तो ऐसे कैसे कर सकती हो तुम ये हरकत? हाँ मैं एक दोस्त समझ के आया था यहाँ पे। सर गुस्सा मत होइए। अच्छा ठीक है, अब नहीं दूंगी दोबारा, गलती होगी, आपको बुला लिया। मतलब तुमने किया कैसे, मुझे ये नहीं समझ में। मैंने किया ही क्या, ऐसा कुछ क्या कर दिया मैंने? तो एक आपको नॉर्मल सा खूबसूरत सा फ्लावर दिया है बस, और कुछ नहीं। क्या सोच के दिया? अच्छे लग रहे थे इसलिए। अच्छे लग रहा था इसलिए। बात कर रहे थे तो मुझे। तो बात करे तो क्या मतलब हो गया इसका? यानी हम किसी से भी अच्छे से बात करेंगे तो वो क्या फ्लावर लेके आ जाएगा? हाँ इतना अकल नहीं है सर। यानी कोई भी अच्छा लगा तो फ्लावर ले जाके दे दोगी? हाँ सर, अब नहीं होगा दोबारा। दोबारा नहीं होगा? चलिए पुलिस स्टेशन, चलिए उठाइए अपना सामान, चलिए। क्यों? उठाइए, चलिए चलिए, वहीं बताते हैं। नहीं जाऊंगी। चलिए वहीं बताते हैं। नहीं आपको नहीं लेना, मत लीजिए आप। ये आपने दिया कैसे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मत लीजिए आप, प्यार से दिया आपको। आप प्यार से क्यों दे रही हो? चलिए उठाइए सामान। नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों? नहीं जबरदस्ती लेके जाऊंगा अभी? नहीं सर, हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। सॉरी, घर नहीं जाना है तुम्हें। सॉरी सर, घर नहीं जाना है सर। सॉरी, अब दोबारा नहीं देंगे आप, मिलने भी नहीं। आप फोन पे कुछ और थे, अभी कुछ और है सर। आप समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, आप चलिए वरना जबरदस्ती। नहीं मैं क्यों, ऐसे कैसे, कोई लेडीज पुलिस आएगी तभी तो, ऐसे कैसे। और वैसे मैं जाऊँ क्यों? मैंने क्या कर दिया है? आप अच्छा बुलाइए फोर्स। अच्छा बुलाइए फोर्स। क्यों दिया तुमने ये फूल? क्या सोच के दिया तुमने? हाँ शर्म आनी चाहिए यार। अब दोबारा नहीं बुलाऊंगे। प्रैंक कर रही थी जी? प्रैंक कर रही थी मेरे साथ? नहीं। हाँ नहीं,
वही सीन फिर से? नहीं, पुलिस वाले को क्या समझ के रखा है? आपको कौन बताया? मतलब नहीं, नहीं पुलिस वाले को समझ के क्या रखा है? आपको बताया? हमारी जो नजरें होती है ना, हाँ, वो हर जगह होती है। मतलब नहीं समझ? दो आंख आगे तो दो आंख पीछे वाला कहानी सुनिए ना। हाँ, वही सीन है हमारे साथ, पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। पूछो, तुम लगा के रखियो ना वहाँ पे, सब पता है। देख लिया आपने? तो ये जो था अभी, वो मैं देख रहा था, तुम मेरे साथ प्रैंक करी थी ना। मतलब आपने मेरे ऊपर कर दिया? जी हाँ बिल्कुल। अरे कितना डरा दिया, मैं सोच रही फालतू में आपको बुला लिया मैंने मिलने के लिए। अच्छा आप तो ले लीजिए, अभी भी किस्सा करेंगे, आइए बैठिए। अरे यार कब देख लिया? अरे कब देख लिया, मुझे बताया भी नहीं तुमने। प्रैंक कर रही हो मेरे साथ? चल ले लीजिए, अब तो ले लीजिए, ले लीजिए। कितना डर गई थी मैं, कैमरा बंद कर दो, अभी भी दिल धक धक कर रहा है मेरा। सर आप भी ना।